हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मृतक के परिजनों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। वहीं एसपी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के मामले में युवक का श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से अपहरण और हत्या कर उसके शव को प्रेमपुरा स्थित उसके घर के बाहर फेंक कर आरोपी फरार हो गए थे। मामले के शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में चार दिन पहले जो पीलीबंगा के प्रेमपुरा गांव में एक दलित युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, उस परिवार को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया कि जो मुलजिम बाकी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को जो सहायता मिलती है वो सहायता भी तुरंत प्रदान की जाए। हम कई साथी मिलकर के और प्रेमपुरा गांव गए थे जहां पर पिछले दिनों एक बहुत ही दलित युवक के साथ में घृणित घटना घटित हुई जिसमें उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी को भी राउंड अप कर रही है, लेकिन जो उनको सहायता की घोषणा की गई है वो जल्दी से जल्दी दी जाए जिससे कि वो गरीब परिवार अपना खर्चा चला सके।